हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं बनाने जा रही थी मोमोज़ की तीखी वाली चटनी, जिसके लिए सिर्फ हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, जैसे लहसुन आपने देखा, मिर्चा देखा और टमाटर देखा। टमाटर को क्या करेंगे, पहले उसके ऊपर वाले धुल लेंगे, फिर पहले ऊपर वाला हिस्सा निकाल लेंगे और फिर उसको एक कटोरी में पानी डाल के उसको ढक कर गैस पर चढ़ा देंगे और गैस ऑन करके चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद ये देखिए टमाटर पक चुका है और ये चारों तरफ से टमाटर का छिलका निकल रहा है। तो जब ये छिलका निकलने लगे तो आप लोग क्या करिए कि इसको गैस को बंद कर दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए ना ठंडा होने के लिए इसको रख दीजिए। और ये देखिए मैंने अभी उतार लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, छान लूँगी। अब एक छन्नी में छान कर मैं इसके सारे जो टमाटर के छिलके हैं उसको निकाल लूँगी और इसमें एक ग्राइंडर में टमाटर डालूँगी और जो लहसुन मिर्ची थी वो डालूँगी और ऊपर से नमक डाल दूँगी और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइज, बाय।